हेलो गाइज, वेलकम टू एस एडवाइज यूट्यूब चैनल। सो ऑलरेडी गाइज, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो गाइज, जैसे कि बहुत लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे होंडा यूनिकॉर्न के अंदर जो है वो मॉर्निंग में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है करके बहुत लोग कमेंट कर रहे थे। सुबह में बाइक तो स्टार्ट हो जाती है लेकिन वो थ्रॉटल जो है सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है। तो ये क्या वजह से हो रहा है और इसका क्या इसका सोल्यूशन है, उसके ऊपर आज मैं इस वीडियो को बनाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले अभी लाइव स्ट्रीम भी की थी, उसके अंदर भी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे यूनिकॉर्न का स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, मॉर्निंग में बहुत तकलीफ दे रही है, इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाओ। तो फाइनली आज मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने इसके अंदर थोड़ी देर पहले इसके अंदर इंजन ऑयल चेंज किया है मैंने, जैसे कि वही सिंपल प्रोसेस है। यहाँ से बोल्ट आता है, आपको ड्रेबल डाउन करना है और इंजन ऑयल नया लगाना है उस साइड से। तो इंजन ऑयल हमने चेंज किया है, इसके अंदर इंजन ऑयल पूरा जल चुका था, 3000 किलोमीटर समथिंग चला दिया था इन्होंने। तो गाइस अभी हमने ऑयल डाल दिया है नया इंजन ऑयल शेल का, 20W40 येलो कलर वाला बॉक्स। तो इसके अंदर ऑलरेडी हमने इंजन ऑयल लगा दिया है नया, अभी जस्ट लगाया है मैंने। तो उसके बाद में सेकेंड जो है आपको करना है, तो उसके सीट को रिमूव करने के बाद एयर फिल्टर देखिए आप यहाँ पे, ये एयर फिल्टर है, इसको मैंने स्क्रूज को यहाँ पे सिंपली स्क्रूज होते हैं इसको रिमूव किया है। इसको रिमूव करने के बाद में ये आप एयर फिल्टर की भी हालत देख सकते हैं हमारे क्लाइंट की, ये पूरा एयर फिल्टर पूरा जल चुका है, पूरा इसके अंदर ये पार्टिकल्स जाके पूरा ब्लॉक हो चुका है। तो प्रॉपर तरीके से बाइक को एयर भी नहीं मिल रही है। और ये जो है अभी मैंने न्यू एयर फिल्टर लेकर आया होंडा का, इसलिए मैंने ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं नया एयर फिल्टर लगा रहे हैं, नया इंजन ऑयल भी लगा दिया हमने इसके अंदर। तो चलिए इस नया एयर फिल्टर को फिट करते हैं फटाफट। वही सिंपल प्रोसेस होता है जैसे कि मैंने आपको मेरे हर एक जनरल सर्विस के वीडियो में दिखाया है, सिंपली इसे सब बिठाने के बाद कैप लगा के बिठा दीजिए इसको कुछ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से बराबर बैठ जाएगा ये पूरी बीडिंग में बैठना चाहिए वरना एयर लीकेज होगा, साउंड आएगा आपको। बिठाने के बाद में इस कैप को बिठा दीजिए इजीली, वन हैंड में शूट कर रहा हूँ गैस, इस वजह से थोड़ा आपको एडजस्ट कर लीजिए। देखिए बैठ चुका है, इसके स्क्रूज को टाइट कर देंगे हम, स्क्रू टाइट कर ले। सो उसके बाद में एयर फिल्टर हो गया, इंजन ऑयल चेंज हो गया, उसके बाद में अभी बारी आती है स्पार्क प्लग की। तो स्पार्क प्लग की अभी कंडीशन क्या है दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए अभी स्पार्क प्लग को रिमूव करते हैं, वही हमारे बेसिक सा 60 नंबर की रिंग से रिमूव हो जाता है स्पार्क प्लग। तो आप इसका स्पार्क प्लग की कंडीशन दे सकते हैं, मेरे तो अभी ओके मिल रहा है लेकिन यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे कार्बन जम चुका है, आपको शायद नज़र आ रहा रहेगा पूरा यहाँ पे इसमें कार्बन है। तो कार्बन को हम क्लीन करेंगे और ट्रेड भी इसका पूरा ये सूख चुका है, ये ट्रेड पूरा सूखने की वजह से प्लग बहुत टाइट निकला जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे। तो अभी प्लग को क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद में इस ट्रेड को पूरा ऑयल डाल के इसको वापस से फिट करेंगे और कार्बोरेटर को ट्यूनिंग करेंगे। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करने का वही बेसिक तरीका है, इसको क्लीन से एमरी मारना है और ब्लेड से क्लीन करना है थोड़ा फ्यूल लेके। चलिए इसको क्लीन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ऑलरेडी गाइस अभी आप देख सकते हैं ये रहा हमारा स्पार्क प्लग, पूरा यहाँ पे इसमें कार्बन जम चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये थोड़ा सा फ्यूल है इसको थोड़ा डालेंगे, थोड़ा सा फ्यूल डालने के बाद इसको, ये हमारा एक्सल ब्लेड है इसे क्लीन करेंगे, इसमें जितना भी कार्बन है पूरा क्लीन करेंगे। सो पूरे प्रॉपर तरीके से आपको क्लीन करना होगा, यहाँ पे पूरा कार्बन रहता है, कार्बन रहेगा तो प्रॉपर तरीके से स्पार्क नहीं होगा, स्पार्क नहीं होगा तो आपकी बाइक सुबह में जो है प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट होगी तो आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, प्रॉपर तरीके से इसको क्लीन करना पड़ेगा आपको। अगर से वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, नेक्स्ट क्या टॉपिक होना चाहिए उसके ऊपर भी कमेंट कीजिए गाइस।
और थोड़ा सा हम क्लीन कर लेंगे इसको। उसके बाद ये हमारा एमबी पेपर है, सैंडिंग पेपर, इसको मारेंगे प्रॉपर तरीके से। के बाद में ये नया ऑयल है, ये पूरे थ्रेड को आपको यहाँ पे पूरा ऑयल डालना पड़ेगा ताकि थ्रेड जो है प्रॉपर तरीके से पूरा क्लीन हो जाए। तो अभी हमारा स्पार्क प्लग जो है वो अभी रेडी हो चुका है, तो चलिए गए इसे फटाफट फिट करते हैं बाइक के अंदर और उसके बाद में चेक करते हैं। तो गाइस अभी हमारा स्पार्क प्लग जो है प्रॉपर तरीके से रेडी है, तो चलिए इसे फटाफट फिट करते हैं। जैसे कि आपने देखा खुलते समय ये पूरा रिंग से खुल रहा था, अभी ये टाइट होते समय पूरा प्रॉपर ऑयल क्लीनिंग करने के बाद प्रॉपर तरीके से पूरा हाथ से ही टाइट हुआ है। बस हम इसको लॉक कर देंगे रिंग से। इसके बाद इस अडाप्टर को क्लीन करके थोड़ा सा बिठा दीजिए इसको। जाने के बाद में अभी कार्बोरेटर की ट्यूनिंग को चेक करेंगे। चलिए उस साइड में आप हमारा इसको थोड़ा सा हाइडल स्क्रू को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, दो ट्रेड बढ़ा के उस साइड जाके ईयर स्क्रू को चेक करेंगे कितने ट्रेड के ऊपर उन्होंने रखा है। उसके बाद में हमारा जो ट्यूनिंग है उसको करेंगे। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा कार्बोरेटर का ईयर स्क्रू है जहाँ से माइलेज को एडजस्ट किया जाता है। तो सिंपली हम टेस्टर की मदद से पहले इसको चेक करेंगे कितने ट्रेड पे ऑलरेडी है ये। 1, 2, 3 पे ऑलरेडी है गाइस, इस पे 3.5 पे ये पूरा ख़त्म हो जाता है, 3.5 के ऊपर ऑलरेडी है इसका एयर स्क्रू। तो बाइक का स्टार्टिंग प्रॉब्लम ज़्यादा है, सुबह में स्टार्ट होने के बाद में सही से थ्रॉटल रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था। तो अभी हमारा ट्यूनिंग करेंगे स्टार्ट करके। तो हम इसको ट्यूनिंग करेंगे हमारे ट्यूनिंग के हिसाब से, कहाँ पे फुल राइज होगी वहाँ पे छोड़ेंगे। अभी इसका आरपीएम मीटर दिखाता हूँ आपको मैं, 4 पे है आरपीएम मीटर। अभी हम इसको टाइट करेंगे, टाइट है ये फुल। अब इसको ओपन करेंगे, 1, 2, 3, 4 4.5 पे ये फुल रेज हो रही है भाई। तो पहले ये 3 पे 3.5 के बीच में थी, अभी ये प्रॉपर सेटिंग के बाद में, प्रॉपर सेटिंग होने के बाद में अभी 4.5 पे फुल रेज हो रही है। तो हम इसे 4.5 पे छोड़ेंगे। 4.5 इसकी हमने ट्यूनिंग की है। इसी तरीके से आपकी बाइक के अंदर भी अलग अलग ट्रेड के ऊपर आपको बाइक कहाँ पे राइज होगी, जहाँ पे आपकी बाइक फुल राइज होगी वहाँ पे आपको छोड़ना है। जैसे कि अब पहले जितना था उससे एक में भी आपका काम हो जाएगा, 2 में भी हो जाएगा, 3 में भी हो जाएगा आपका काम। तो जहाँ पे फुल राइज हो वहाँ पे छोड़ देना। तो अब इसको हम हाइडलिंग कम करेंगे।
वही 1500 RPM पे इसको सेट कर देंगे। आपको पता नहीं चल रहा तो आप यहाँ पे देख के कर सकते हैं, 1500 RPM पे हमने इसको छोड़ दिया है। तो यही था गैस हमारा आज का मेन वीडियो, और आपको समझाने का मॉर्निंग स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्यों आ रहा है और क्या इसका सोल्यूशन है। सो आपको मैं अगेन आई रिपीट कर देता हूँ, सब फर्स्ट आपको इंजन ऑयल चेंज करना है और एयर फिल्टर नया लगाना है अगर से जाके है, एयर फिल्टर क्लीन भी कर सकते हैं, दूसरा हो गया। तीसरा जो है हमारा स्पार्क प्लग क्लीन करना है, और चौथा जो है कार्बोरेटर का जो ट्यूनिंग है एयर स्क्रू उसको प्रॉपर तरीके से आपको सेट करना है। तो यही था आज का हमारा मेन वीडियो, आई होप आपका वीडियो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।